नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले चार पांच ऐसे स्टॉक की जो कि कहीं ना कहीं अगले हफ्ते ब्रेकआउट देते हुए दिखाई दे सकते हैं और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट लेवल के आसपास कामकाज करते हुए दिख रहे हैं, शानदार पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये पांचों स्टॉक आपके स्क्रीन पे है, लेकिन इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक की, SBI लाइफ का स्टॉक। अगर आप इस स्टॉक को गौर से देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न आपको देखने मिल रहा है और वहां का ब्रेकआउट आपको बनता हुआ दिख सकता है। फ्राइडे के सेशन में 15 सितंबर को जब हमने देखा 1372 के आसपास की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के आसपास कहीं ना कहीं इसकी अगर हम देखें क्लोजिंग बेसिस पे तो एक बंद आता हुआ दिखाई दिया। यानी कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक जो शानदार ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपको देखने मिल रहा है। लगभग 1350 1360 के लेवल के पार ये स्टॉक जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया फाइनली, और एक नई तेजी की शुरुआत जो है आपको करता हुआ दिख सकता है। अब इस स्टॉक के लिए जो सपोर्ट लेवल होगा वो 1330 1340 एक अच्छी सपोर्ट जोन के रेंज होगी, जहां पे आपको कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा कोई डिप आती है तो। और ये स्टॉक अब 1400 प्लस के लेवल के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा मार्च के मिड से ही कहीं ना कहीं यहाँ पे 1060 के आसपास के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद एक शानदार तेजी होती दिखाई दी। स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बुलिश है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर कामकाज स्टॉक करता हुआ दिख रहा है। 200 दिन का एवरेज अगर आप देख रहे हैं 1225, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार जो है तेजी यहाँ पे आपको बनती हुई आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो निफ्टी का दिग्गज इंफोसिस, इसकी यहाँ पे बात करनी होगी, क्योंकि ये स्टॉक भी जो है बहुत लंबे समय से एक बेरिश ट्रेंड में बना हुआ है, लेकिन फाइनली जो है अब ये स्टॉक आपको 200 दिन के एवरेज के ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। और रिसेंटली अगर हम देखें लास्ट वीक तो इस स्टॉक ने अपने रिसेंट हाई जो थे जो कि इसके नतीजों से पहले आते हुए दिखाई दिए थे, लगभग लगभग हमने देखे थे 1498 तक के हाई लगे थे, क्लोजिंग बेसिस पे 1485 के आसपास कहीं ना कहीं इसका टॉप लगता हुआ दिखा था। उसके ऊपर इंफोसिस का स्टॉक पिछले हफ्ते कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली बेसिस पर अगर देखेंगे तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है, और आपने देखा कि नतीजे आए थे एक बड़ी गैप डाउन हुई थी और उसके बाद से जिस दिन गैप डाउन हुआ उसी दिन बॉटम बनाया, उसका से कंसिस्टेंट धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है और 1511 के लेवल पे स्टॉक जो है वो क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं एक हल्के रेजिस्टेंस जोन के आसपास डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट अच्छा खासा देखने मिल रहा है। तो अगले जो कहीं ना कहीं टारगेट है वो कहीं ना कहीं 1600 1620 की रेंज में हो सकते हैं, जो कि इसका पुराना हाई था जो लगभग 9 फरवरी 2023 के आसपास हमने देखा था। तो अब ये स्टॉक उस लेवल के आसपास आपको शायद जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो एक अच्छा मौका है जहां पे ये स्टॉक एक अच्छा एक्यूमुलेशन चल रहा है। आईटी स्टॉक्स में हमने देखा पिछले कई दिनों से एक शानदार तेजी चलती हुई दिख रही है, आईटी इंडेक्स ने भी अपना एक ब्रेकआउट दिया रेंज से, और इंफोसिस हैवी वेट होने के नाते यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इंफोसिस के स्टॉक में एक शानदार मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें 1450 1460 एक सपोर्ट रेंज हो सकती है, जहां कहीं पे अगर ये स्टॉक आता है तो आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, और अगर वो लेवल टूटते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि थोड़ा करेक्शन इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बात करेंगे तीसरे स्टॉक की जो है निफ्टी का सबसे दिग्गज, यहाँ पे हम बात करें ग्रासिम इंडस्ट्री के बारे में। तो यहाँ ग्रासिम का स्टॉक जो है वो आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट इसमें भी बनता हुआ दिख रहा है, और शानदार मोमेंटम में स्टॉक काम का चलता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे इसके पुराने हाईस अगर जो थे वो लगभग 1920 1925 के रेंज में आपको आते हुए दिखाई दिए थे, और हमने देखा 1920 1925 के रेंज का जो ब्रेकआउट है वो आपको कहीं ना कहीं आपको पिछले एक दो दिनों में देखने को मिला, और पिछला पूरा हफ्ता ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा शानदार मोमेंटम दिखाता हुआ दिखाई दिया। अगर यहाँ पे रिसेंटली हम देख रहे थे तो 1850-60 के आसपास में कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर पहले ब्रेकआउट आया, उसका फिर इसने अपने पुराने हाइज जो थे 1920 1930 की रेंज में उसको काट के यहाँ पे लगभग 1972 के आसपास की क्लोजिंग दी, 1987 तक का जो है इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम भी देखेंगे तो पिछले हफ्ते चारों दिन वॉल्यूम भी बहुत तगड़े होते हुए दिखाई दे, एवरेज वॉल्यूम से 2-3 गुना वॉल्यूम यहाँ पे आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है 2000 के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। 1860 1920 ये रेंज हो सकती है, जिस रेंज के अंदर अगर ये स्टॉक किसी कारण से कोई करेक्शन में आता है तो वहां पे आपको एक एक्युमुलेशन देखने मिल सकता है, अच्छे खासे मोमेंटम वहां पे आपको देखने मिल सकते हैं। वहां पे जिन लोगों की शॉर्ट पोजीशन होगी वो कवर करने की भी कोशिश करेंगे, और फ्रेश यहाँ पे बाई भी आपको इनिशिएट होते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रेंज है, जिस रेंज के आर पार ये स्टॉक निकला है तो एक अच्छी सपोर्ट रेंज एक्युमुलेशन जोन बन सकता है। अगर यहाँ से थोड़ा भी करेक्शन आपको देखने मिलता है 50-100 रुपए का, तो इन्वेस्टर्स वहां डेफिनेटली आपको एक एक्यूमुलेशन देखने को कर सकते हैं। चौथे स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं चोला फाइनेंस, चोला
चोला फाइनेंस का स्टॉक आपके लिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए। ये स्टॉक भी आपको बहुत जबरदस्त रैली बताता हुआ दिखाई दिया है। मार्च के मिड में अगर आप देखिए 700 रुपए के आसपास कहने का स्टॉक कामकाज करता था, वहां से बढ़ के अभी स्टॉक 1200 के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसने अभी अपने रिसेंटली जो हाई लेवल है जो कि लगभग 1190 के आसपास के थे उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया थर्सडे फ्राइडे के दिन, और उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। एक बार तो यहाँ जाके अटका, रिट्रेस किया, रिट्रेस करके फिर ब्रेकआउट आया। आपको वॉल्यूम भी अच्छे खासे बनते हुए दिख रहे हैं, लगभग 4.66 मिलियन शेयरों के वॉल्यूम जो थे वो आपको देखने मिले थे फ्राइडे के सेशन में। 1227 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। इस स्टॉक के लिए सपोर्ट रेंज अगर आप मान के चल रहे हैं 1090 से लेके 1140, ये वो एक सपोर्ट रेंज हो सकती है जिसकी आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस रेंज के आसपास में कहीं ना कहीं स्टॉक आता है एक बार तो कहीं ना कहीं वहां आपको इसमें एक एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकती है। तो ये वो रेंज हो सकती है, ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई तो इस सपोर्ट अच्छा कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। मतलब किसी के पास कोई पोजिशन है तो डेफिनेटली उस स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं स्टॉक को, और ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको हो सकता है 1250 से 1300 तक के भी लेवल देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी हो चुकी है, मार्केट अगर किसी प्रकार का मोमेंटम रिवर्स करता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इससे कोई सिर्फ एक एनालिसिस है, यहाँ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है। जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछे कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे पैसे का रिस्क होता है और अगर आपने थोड़ी भी गलत पोजिशन ली तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सोच समझ करके अपने सारे फैसले स्टॉक मार्केट में लेने चाहिए। पांचवें स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो पांचवा स्टॉक है आपको अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड वो स्टॉक है दोस्तों यहाँ पे जहां पे आपको देखने मिलेगा, अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो यहाँ लॉन्ग टर्म में कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन और उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं लगभग 2018 के आसपास यहाँ पे एक टॉप लगा था, फिर एक बड़ी तेज गिरावट आई थी 2020 में जो बॉटम बना था 35-36 रुपए तक स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद फिर जो एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी ऑटो सेक्टर में, हमने देखा था सितंबर 2022 के आसपास उसी लेवल पे टॉप लेने के बाद फिर से एक हल्का करेक्शन देखने मिला, तो ये स्टॉक 135-136 रुपए तक आता हुआ दिखाई दिया और वहां से फिर ये स्टॉक में ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया, जिसका ब्रेकआउट लेवल था 168 रुपीज के आसपास का, यानी कि 168-170 की रेंज से जैसे ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया आपको एक देखने मिल रहा है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न का एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे पिछले अगर एक आध महीनों की बात करेंगे आप तो आपको देखने मिलेगा, बहुत अगर गौर से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अपसाइड में 190 का लेवल पार नहीं हो रहा है और नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं तो 175-177 के आसपास का जो रेंज है वो एक सपोर्ट रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर गौर से आप देखें तो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये पैटर्न कब टूटेगा, जब ये लेवल टूटेगा 178 के आसपास का, यानी कि 178 के नीचे अगर ये स्टॉक जाना चालू करता है तो फिर आपको यहाँ पे ऐसा होगा कि एक शॉर्ट टर्म में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है और उस कंडीशन में स्टॉक की जो अगली सपोर्ट रेंज होगी वो 168-170 की रेंज हो सकती है। लेकिन अगर ये स्टॉक अपसाइड में 190 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर आपको ये कंटिन्यू हो सकती है दिख सकती है तेजी, और ये तेजी के बाद यहाँ पे जो टारगेट है वो लगभग 200 रुपए तक के हो सकते हैं, कहीं ना कहीं 8-10 रुपए की बड़ी तेजी फिर वहां से देखने मिल सकती है। तो दोनों ही साइड इस स्टॉक में मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, डिपेंड करता है कि ये किस साइड की रेंज पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में ब्रेक करता है। अगर ये रेंज 178 के नीचे गए तो आपको 168-170 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, और अगर 190 टूटते हैं तो लगभग 200 तक की रेंज जो है आपको देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो पांच स्टॉक ब्रेकआउट स्टॉक जो कि आपको अगले हफ्ते कहीं ना कहीं एक्शन में दिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।